Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, Math Instructor, tutoria.pk. Chapter number 3, Ratio and Proportion. Lesson number 1 is Ratio. So, जब इसका नाम लिया जाता है रेशो का तो हमारे माइंड में आता है कि रेशो क्या चीज़ होती है. आइए इसको पहले डिफाइन करेंगे फिर एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे. ये देखें, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो. कोई से हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान में अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो हमें रेशो हासिल होती है. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे स्पीड के बारे में आप जानते हैं कि ये रेशो होती है डिस्टेंस और टाइम की. रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये देखें, ये बेसिकली स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि डिस्टेंस रेशियो टाइम. फिर जो सेकंड से एग्जांपल बनती है प्राइस. प्राइस क्या होती है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं मार्केट में कुछ चीज़ परचेज करने के लिए तो हमें दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है. एक तो जो हमारे पास अमाउंट है और फिर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं. तो प्राइस क्या होती है, अमाउंट पर यूनिट. जैसे शुगर है, चीनी की प्राइस है, तो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ केजी है, 100 रुपीज़ अब पैसे हैं, मनी है, अमाउंट है, और जो केजी है वो उसकी यूनिट है. तो अमाउंट की रेशो है यूनिट के साथ, यहाँ पर पैसों की रेशो है केजी के साथ. तो ये भी एक रेशो है, प्राइस भी एक रेशो है, रुपीज़ रेशो यूनिट्स हैं. अच्छा, जैसे ऑयल का केस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसकी जो प्राइस है, ऑयल की जो प्राइस होती है वो बैरल्स में होती है या लीटर्स में होती है. तो क्रूड ऑयल जो होता है वो हमेशा बैरल्स में ही उसको मेयर करते हैं. तो इस केस में जो यूनिट्स होंगी तो वो हमारे पास बैरल्स होंगे या लीटर्स होंगी, और जो प्राइस होगी उसकी वो डॉलर्स में होती है. तो इस तरह से है रेशियो का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है. जैसे कोई पेशेंट्स है किसी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स जो होते हैं या मेडिकल जो स्टाफ होता है वो उसकी जो मेडिकेशन करते हैं तो वो भी उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ख़ास ख्याल रखा जाता है, उसके फूड का, उसकी डाइट का, उसके जो मेडिसन है, उसकी बाकी चीज़ें हैं उनमें रेशियो को अप्लाई किया जाता है. इस तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. सपोज करें हमारे पास कोई एक क्लास है, उसके अंदर 8 गर्ल्स हैं, 8 गर्ल्स और 7 बॉयज़ हैं. अब रेशो क्या होगी गर्ल्स टू बॉयज एंड बॉयज टू गर्ल्स. और इसको सॉल्व करते हैं, द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 8:7. गर्ल्स टू बॉयज ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है. गर्ल्स टू बॉयज 8:7 कैसे लिखेंगे इसको, 8 गर्ल्स टू 7 बॉयज यूं भी कह सकते हैं, और 8:7 भी इसको कॉल कर सकते हैं, 8:7 भी कहेंगे. और फ्रैक्शन के फॉर्म में 8:7 होना चाहिए. यहाँ थोड़ी सी देखें एरर है एक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको हम ठीक कर देते हैं. यहाँ पर 8:7 होना चाहिए, ये 5 नहीं है, ये हमारे पास 7 है. 8:7 को 8:7. अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि मुझे अगर रेशो चाहिए बॉयज़ टू गर्ल्स, फिर क्या रेशो होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए 7:8. अब ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले था गर्ल्स टू बॉयज तो 8:7, 8:7, अब बॉयज़ टू गर्ल्स 7:8, 7:8. इस तरह से होगा, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जब तो 7:8 हो जाएगा. अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. उसके पार्ट नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, उनको हमने रेशो के फॉर्म में लिखना है. आइए इसको सॉल्व करते हैं. देखें, एक्सप्रेस इन द रेशो ए रेशो बी, ये बहुत सिंपल सी बात है. देखें ए रेशो बी की फॉर्म में हम इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हमें यूँ करना पड़ेगा कि 75:1:5:0 करना पड़ेगा. और हम ये बात जानते हैं कि रेशो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 75:1:5:0. ये बात आपने माइंड में रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट नोट के तौर पर, वो ये है, वो इस तरह से है कि अगर लिखा हुआ है x रेशो y तो ये हो जाएगा
x over y. अगर लिखा हुआ है a ratio b, तो ये हो जाएगा a over b. तो इसका मतलब ये हुआ कि 75:1250. अच्छा, 75 के जो फैक्टर्स बनते हैं, वैसे हम भाई है कि टेबल चेक कर लेते हैं 5 का. 5 के टेबल से कैंसलेशन हो सकती है. ऊपर देखें, ऊपर आएगा 1 और 15 और नीचे आएगा 250. फिर 5 का टेबल लेकर जाएं तो ये 3 और ये आएगा 50. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:50 इसका आंसर बनता है. ये यहाँ से आता था, इसका आंसर जो आया था वो 3:50 आया था. तो इसको हमने 3:50 में लिख दिया. बिल्कुल सिंपल है, रेशो के फॉर्म में था, उसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, सिंपलीफाई किया. सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया. फिर एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 है. इसको जो इसकी स्टेटमेंट है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8. इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11. फाइंड द नंबर्स. बेसिकली हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनकी रेशो हमें गिवन है, वो 5:8 में है. और ये कहा गया है कि उन दोनों नंबर में अगर 9 को ऐड किया जाए तो जो रेशो होगी वो 8:11 बन जाएगी. हमने वो नंबर्स है फाइंड करने हैं. बिल्कुल सिंपल है. ये देखें, सपोज करते हैं चूंकि 5:8 में है, तो पहला नंबर जो होगा वो 5x होगा और दूसरा नंबर होगा वो 8x होगा. पहला नंबर 5x, दूसरा नंबर 8x. अब सिचुएशन ये है, अगर रेशो होती, फॉर एग्जांपल 7:11 होती, मैं एग्जांपल के तौर पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो नंबर पता क्या हो जाता, 7x:11x. यानी कि दो नंबर आते हैं हमारे पास, 7x और 11x. अगर रेशो होती 3:5, तो नंबर होते हैं हमारे पास 3x, 5x एंड सो ऑन. तो ये बात आपने माइंड में रखनी होगी कि जिस तरह से रेशो होगी उसी लिहाज से नंबर्स भी होंगे. अब जो कंडीशन गिवन है नाउ, उसमें ये दिया गया है कि 5x को अगर उसमें 9 को ऐड कर दिया जाए तो फिर जो रेशो कायम होगी दोनों में, देखें इसमें 9 ऐड हो गया तो इधर आएगा 8:11. तो यहाँ देखें, इस तरह बनेगा 5x+9/8x+9=8/11. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5x+9 into 11 is equal to 8x+9. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखें ये आएगा 55x+99 is equal to 64x+72. अब करना ये है कि 99 को और 72 को आपस में सॉल्व करेंगे और जो x वाली चीज़ें हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे. तो 99-72 64x-55x. तो देखें क्या बनेगा हमारे पास है, 9-2 7, तो 27 इधर आ जाएगा. और यहाँ से देखें 64 में से 55 निकाल दें तो 64-55 में से यहाँ आ जाएगा 9x. तो 9 से डिवाइड करें दोनों तरफ तो 27/9 is equal to x. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से 9 और ये 3, तो x आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा. तो सो जो पहला नंबर हमने सपोज किया हुआ था वो 5x था, वो बन जाएगा 15. 15x की जगह पुट कर देंगे 3, 15 आ जाएगा. और जो दूसरा नंबर होगा वो हमारे पास 8x था, तो 8x का मतलब ही हुआ कि 24 आ जाएगा. तो दो नंबर हमारे पास आ गए. तो दिस इम्प्लाइज
15 and 24 are the desired numbers. अच्छा वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं आप, जैसे 15 ओवर 24 है, अब 5 और ये 8, यानी कि ये 5:8 आ गई, वापस आ गई. इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैलकुलेशन ठीक परफॉर्म की है. तो इस लेसन में हमने रेशो के बारे में सीखा.